प्रश्न एक, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न दो, संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या कितनी थी? उत्तर 50। प्रश्न तीन, विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किसकी स्थापना की गई? उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघ की। प्रश्न चार, संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नाम किसके द्वारा रखा गया? उत्तर तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। प्रश्न पाँच, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को आदि किसकी स्वतंत्र संस्थाएं हैं? उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघ की। प्रश्न छः, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ने वाला प्रथम विशिष्ट संगठन कौन सा है? उत्तर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। प्रश्न सात, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अध्याय, धाराएं एवं शब्द कितने हैं? उत्तर 19 अध्याय, 111 धाराएं और 10,000 शब्द हैं। प्रश्न आठ, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? उत्तर एक महासभा, दो सुरक्षा परिषद, तीन आर्थिक और सामाजिक परिषद, चार न्याय परिषद, पाँच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छः सचिवालय। प्रश्न नौ, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 24 अक्टूबर को। प्रश्न दस, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? उत्तर 1945 को। प्रश्न ग्यारह, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर 193। प्रश्न बारह, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएँ कितनी हैं? उत्तर छः। प्रश्न तेरह, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकृत भाषाएँ कौन कौन सी है? उत्तर अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। प्रश्न चौदह, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? उत्तर अंग्रेजी और फ्रेंच। प्रश्न पंद्रह, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? उत्तर सुरक्षा परिषद। प्रश्न सोलह, संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? महासभा। प्रश्न सत्रह, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 15 सदस्य। प्रश्न 18, सुरक्षा परिषद के स्थायी एवं अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? उत्तर 5 स्थायी सदस्य एवं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रश्न 19, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर मात्र 2 वर्षों का। प्रश्न 20, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? उत्तर सुरक्षा परिषद को। प्रश्न 21, विश्व शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर सुरक्षा परिषद की। प्रश्न 22, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन से हैं? उत्तर एक अमेरिका, दो रूस, तीन चीन, चार फ्रांस और पांच ब्रिटेन। प्रश्न 23, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। प्रश्न 24, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? उत्तर वीटो का। प्रश्न 25, सबसे पहले वीटो के अधिकार का प्रयोग किस देश द्वारा किया गया? उत्तर अमेरिका द्वारा। प्रश्न 26, वीटो के अधिकार का सबसे अधिक बार प्रयोग किस देश ने किया? उत्तर रूस ने। प्रश्न 27, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? उत्तर 10 जनवरी 1946 को लंदन में। प्रश्न 28, महासभा की प्रथम बैठक कब हुई? उत्तर 1952 में। प्रश्न 29, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तर तात्कालिक भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न 30, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा है? उत्तर श्वेत रंग की पृष्ठभूमि, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र हल्के नीले रंग से अंकित है। प्रश्न 31, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने ध्वज को मान्यता कब दी? उत्तर अक्टूबर 1947 में। प्रश्न 32, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता है? उत्तर महासचिव। प्रश्न 23, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? उत्तर अंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं। प्रश्न 24, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपना कार्यभार
कब संभाला था? उत्तर 1 जनवरी 2017 को। प्रश्न 35, अक्टूबर 1945 से फरवरी 1946 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यवाहक महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं किसने प्रदान की? उत्तर ग्लैडविन जेब ने। प्रश्न 36, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? उत्तर त्रिग्वेली नार्वे। प्रश्न 37, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? उत्तर युथार्ट वर्मा। प्रश्न 38, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ हुई? उत्तर 3 अप्रैल 1946 में और हेग नीदरलैंड में हुई। प्रश्न 49, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है? उत्तर हेग नीदरलैंड में। प्रश्न 40, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? उत्तर 15। प्रश्न 41, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 9 वर्ष का। प्रश्न 42, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर न्यूयॉर्क अमेरिका में। प्रश्न 43, लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र में गठित निकाय का नाम क्या है? उत्तर UN Women। प्रश्न 44, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुस्तकालय का नाम क्या है? उत्तर हैमरसोल्ड पुस्तकालय। प्रश्न 45, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान की थी? उत्तर जॉन डी रॉकफेलर ने। प्रश्न 46, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? उत्तर 1952 में। धन्यवाद।